अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3। टेक आउट योर बुक, ओपन यूनिट नंबर 2, द वुडन बाउल। वुडन बाउल में हम लोगों ने 2 पेजेस को जो है वो ट्रांसलेशन के साथ रीड आउट कर लिया था, पेज नंबर 14 एंड 15 को, जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था कि ओल्ड मैन के बारे में कि वो जैसे ही खाना खाता है तो वो अक्सर वो कांच उसको गिरा देता है, कभी चम्मच गिर जाता है, सो ऑल डैट। अब इसके बाद हम लोगों ने रीड आउट करेंगे कि इसके बाद नेक्स्ट जो है वो क्या होता है। राइट डाउन द डे एंड द डेट एट पेज नंबर 16। यहाँ से हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वन इवनिंग, एक शाम, नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स, थेक्ला एंड मैनफर्ड हैड फिनिश्ड वर्क फॉर द डे एंड वर प्रिपेयरिंग फॉर द इवनिंग मील। यानी कि एक शाम, यानी कि ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था, थेक्ला और मैनफर्ड ने अपना दिन का काम, सारे दिन का काम ख़त्म किया एंड वर प्रिपेयरिंग द इवनिंग मील, और शाम का खाना तैयार कर रहे थे। वेन द मील वॉज रेडी, जब खाना तैयार हो गया, दे कॉल्ड फॉर विलियम, उन्होंने अपने बेटे विलियम को बुलाया। दे लुक्ड इन हिज रूम, उन्होंने उसको उसके कमरे में देखा, बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन वो वहाँ नहीं था। वेयर कुड डैड बॉय बी, वो लड़का कहाँ हो सकता है, आस्क्ड थेक्ला, उस थेक्ला ने कहा। मैनफ्रेड हैड नो आइडिया, मैनफ्रेड को कोई अंदाज़ा नहीं था। ही आस्क्ड द ओल्ड मैन इफ़ ही हैड सीन विलियम, उसने बुरे आदमी से पूछा कि उन्होंने क्या विलियम को देखा है। बट द ओल्ड मैन शूक हिज हैड, लेकिन बुरे आदमी ने अपना सर हिलाया, मतलब उसने ना में जवाब दिया। थेक्ला एंड मैनफ्रेड बिकेम अ लिटिल वरीड, थेक्ला और मैनफ्रेड कुछ जो है वो परेशान हो गए। दे लुकड आउट ऑन द स्ट्रीट, उन्होंने बाहर गली में देखा, बट विलियम वॉज नॉट देयर, लेकिन विलियम वहाँ नहीं था। देन दे सा अ लाइट ऑन इन द वर्कशॉप, फिर उन्होंने देखा कि वर्कशॉप में लाइट जो है वो जल रही है। दे वेंट टू लुक, वो वहाँ देखने के लिए गए। दे स्टेप्ड इन टू द वर्कशॉप, उन्होंने वर्कशॉप में कदम रखा। एंड फाउंड देयर सन, और अपने बेटे को पाया। सिटिंग ऑन द फ्लोर, के वो फर्श पर बैठा हुआ है। ही वॉज कटिंग अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ वुड्स, वो छोटा टुकड़ा जो है लकड़ी का उसको काट रहा था। एंड वर्किंग एज हार्ड एज ही कुड, और उसके ऊपर यानी कि मेहनत कर रहा था, इतनी सख्त मेहनत जितनी वो कर सकता था। ओह देयर यू आर, ओ तुम यहाँ हो, सेड थेक्ला, थेक्ला ने कहा। What are you making, son? तुम बेटे तुम क्या बना रहे हो, asked Manfred, मैनफ्रेड ने पूछा। विलियम पुट डाउन द ब्लॉक ऑफ वुड एंड द चिजल, विलियम ने लकड़ी का छोटा टुकड़ा जो है वो नीचे रखा और जो छेनी है उसको नीचे रख दिया। ही लुकड अप एट द एट हिज पेरेंट्स, उसने अपने वालदैन की तरफ देखा। आई एम मेकिंग अ वुडन बाउल फॉर यू, मैं आपके लिए एक लकड़ी का प्याला बना रहा हूँ। टू ईट, ताकि आप खा सकें। फ्रॉम वेन यू आर ओल्ड, जब आप बुरे हो जाएं, रिप्लाइड द बॉय, बच्चे ने जवाब दिया। द पेरेंट लुक एट ईच अदर, वालदैन ने एक दूसरे की तरफ देखा। देयर आइज फिल्ड विद टीयर्स, और उनकी आंखों में आंसू भर आए। कम डिनर इज रेडी, आ जाओ खाना तैयार है, सेड थेक्ला सॉफ्टली, थेक्ला ने आहिस्तगी से कहा। एंड शी पुट हर आर्म्स अराउंड हर सन, और उसने अपनी दोनों बाजुओं से यानी कि बाहों में अपने बेटे को भरा, यानी कि उसको गले लगाया। एंड द थ्री ऑफ देम वेंट बैक टू द हाउस, और वो तीनों जो हैं घर की तरफ वापस चले गए। आफ्टर दिस, इसके बाद थेक्ला एंड मैनफ्रेड ऑलवेज आस्क्ड द ओल्ड ग्रैंडफादर टू सिट विद देम एट द टेबल, थेक्ला और मैनफ्रेड जो थे वो हमेशा अपने यानी कि बूढ़े दादा जान से कहते थे कि वो उनके साथ टेबल पर बैठे, यानी कि उनके साथ मिलकर बैठे। सो यहाँ इस स्टोरी में से हमें एक बहुत जो है वो ब्यूटीफुल लेसन जो है वो हमने गेट किया है कि जैसा कि आप अपने बच्चों की तरबियत करेंगे, सेम बच्चे भी आपके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे। इट्स मीन कि अगर आप अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देते हैं तो वो आपके साथ अच्छी तरह पेश आएंगे, जैसा कि थेक्ला और मैनफ्रेड ने ओल्ड मैन के साथ किया था कि उन्होंने उसका कमरा अलहदा कर दिया क्योंकि वो बार बार बुरा हो चुका था, कभी उसके हाथ कांपते थे, प्लेट गिर जाती थी या वो सूप गिरा देता था, तो उसको एक अलहदा बाउल दे के उन्होंने कमरे के कोने में बिठा दिया। सो इसी तरह उस बच्चे के जहन पर भी असर पड़ा, उसने भी अपने वालदैन के लिए कि जब वो बुरे हो जाएंगे तो उनके लिए एक उसने वुडन बाउल जो है वो तैयार करना शुरू कर दिया।
सो यहाँ से उन दोनों का अंदाज़ा हुआ कि जो उन्होंने ओल्डमैन के साथ किया था वो एक बुरा काम था। सो उन्होंने इसका यानी कि उस मुश्किल जो चीज़ थी उसकी यानी कि माफ़ी करने के लिए उन्होंने फिर ग्रैंडफादर यानी कि जो उनको महसूस हुआ अपने बच्चों की एक्ट की वजह से, वहाँ से उन्होंने अपने ओल्ड ग्रैंडफादर जो हैं उनको भी टेबल पे साथ बिठाना शुरू कर दिया। सो यहाँ से हमें लेसन मिलता है कि हमें जो हमारे ओल्ड हैं, दादा हैं, दादी हैं, सो उनको हमने हमेशा अपने साथ ही बिठाना है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है ओल्ड हैं तो वो जैसा भी उनका भी है वो, सो हमें उनको अपने साथ बिठाना चाहिए। हमें उनको ये फील नहीं करवाना चाहिए कि वो बुरे हो गए हैं या वो अब हमारे साथ नहीं बैठ सकते। सो हेयर आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस, राइट डाउन द डे एंड द डेट हेयर। नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।